मैं सिंगर हूँ बाय द वे, आपको पता है ना. अच्छा नहीं. ये गिटार हमने ऐसे थोड़ी रखा हुआ. अच्छा वैसे क्या सीन होता है, जितने भी गिटारिस्ट होते हैं गिटार बजाना आ जाए गिटार लेके फिरते रहते हैं साथ साथ लेके फिरते रहते हैं. हाँ ये क्या सीन होता है, कौन सी आपकी बेइज्जती वाली पॉडकास्ट. Alright guys, welcome back to another episode of Lights Out podcast. Lights Out, the most fun and happening podcast, maybe in the world or maybe in the universe. And no metaverse, I would say. Metaverse? Yeah. नहीं नहीं अभी तो universe में ही है, metaverse में भी शायद आए. और मेरे साथ आज फिर से हैं अहमद हसनैन, हसनैन अहमद या जो भी आप कहना चाहें. We have a really cool guest today. And we thought we would introduce her. पहले हमने सोचा कि उसको prank करते हैं, but फिर हमने सोचा कि नहीं, she's too nice. We shouldn't prank her. So we have with us Jia XK, also known as Javeria. Yes. How are you, Javeria? Hi. Or Jia? Jia. What's the story behind Jia and Javeria? Javeria नाम है मेरा, असली नाम है. अच्छा. Jia nickname है. अच्छा. And that is the story. कोई थी खास स्टोरी नहीं है. किसने रखा है जिया नाम? जिया मामा ने रखा था निकनेम. अच्छा. जवेरिया दादा बू ने रखा था. हम आपको स्टॉक कर रहे थे आपके आने से पहले, आप लाइव सेशन कर रही थी और आप उसमें मेकअप कर रही थी और साथ साथ बता रही थी कि आप पॉडकास्ट पे जा रहे हैं और आप लोगों को कह रही थी गेस करें कौन सी पॉडकास्ट. गेस किसी ने गेस नहीं किया, किसी ने गेस क्योंकि अभी इतनी हमारी यूनिवर्स में तो बहुत फेमस है यहाँ पे, लेकिन आपके इसमें नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है. इंशाल्लाह हो जाए. तो कैसा रहा अभी ये तक आपका जर्नी? इट्स बीन बोरिंग राइट? हां बोरिंग. बोरिंग नहीं, बोरिंग नहीं, आई मीन इट इज वेरी गुड. सो इट्स बीन गुड, इट्स बीन गुड. मैं यही सोच रही थी कल रात को कि देयर वाज अ टाइम, मैं भी उनको ही बता रही थी कि आई वाज थिंकिंग ऑफ क्विटिंग इंस्टाग्राम फॉर गुड, क्योंकि मैं 3 साल से कर रही थी एंड आई वाज स्टक ऑन 3000 फॉलोअर्स, मेरे बढ़ नहीं रहे थे. हाँ, so, तो फिर क्या लाइक सीक्रेट क्या है? सीक्रेट क्या है, फिर लॉकडाउन हो गया था, बोर हो रही थी इतना. अच्छा. तब बहुत हुआ कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको बंद करो ना, लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स. फिर आई वाज लाइक कि चलो बिफोर गिविंग अप कम्प्लीटली ऑन दिस ना, एक और दफ़ा ट्राई करती हूँ एंड आई गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. पहले बिल्कुल ही मेकअप था मेरा, देन आई स्टार्ट गेटिंग टू फैशन, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनाना शुरू कर दी एंड वी आई स्टार्ट गेटिंग फॉलोअर्स ओवरनाइट, 1000 फॉलोअर्स आ जाते थे. अच्छा. सो पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी व्हेन आई गो आउटसाइड. तो फिर वही एक हो गया कि नहीं अब करना है. नहीं लेकिन क्या ऐसा गलत कर रही थी 3 साल में जो वो उसमें नहीं हो रहा था और फिर कुछ किया? लाइक डिड यू फिगर दैट आउट? आई वाजंट कंसिस्टेंट. मैंने पूरा एक महीना बहुत कंसिस्टेंट रही. मैं दोपहर को एक पिक्चर पोस्ट लगाती थी, रात को वीडियो पोस्ट लगाती थी. अच्छा. आई डिड दिस फॉर अ मंथ एंड देन आई केम आउट विद अ सीरीज कॉल्ड 30 डेज चैलेंज. ओके. या वी सॉ दैट. या उसमें भी मैं 30 डेज के लिए आउटफिट वीडियोस डालती थी. अच्छा. सो पीपल स्टार्टेड कॉपीइंग दैट आईडिया एज वेल. मैंने कहीं वेस्टर्न से ही लिया था लेकिन नो वन वाज डूइंग इट ओवर हियर. सो आई डिड दैट, उसकी वजह से मतलब लोगों को पसंद आ गया, पीपल लाइक आउटफिट्स. या बस फिर चलना शुरू हो गया. एक्सक्लूसिवली जस्ट ऑन इंस्टाग्राम या टिकटॉक भी करेंगे? टिकटॉक. आई वाज प्लानिंग कि आपके साथ टिकटॉक्स बनाऊंगी. आप बनाते हैं आज? स्टॉक किया था कल रात को सारा कि क्या टिकटॉक्स बनाते हैं. कोई सोची, कोई आईडिया सोचा टिकटॉक का? हां सोचा तो. कोई है साउंड जिसके ऊपर बना सकते हैं? आई मीन मैंने रखे हुए हैं, मैंने कहा जो सही लगेगा तो सब बना लेंगे, सब बना लेंगे. लाइट भी लगी हुई है, लाइट्स भी लगी हुई है. अच्छा किया आज हमने, बस डन है. मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस नहीं करनी. हां हां नहीं, हम तो ढूंढ रहे हैं कि यार कोई टिकटॉक बना ले हमारे साथ. हां नहीं, मोर देन हैप्पी टू डू इट. तो आपने YouTube भी शुरू किया था या किया हुआ है? कब शुरू किया? बहुत शुरू में शुरू किया था लेकिन बहुत लाइक यू नॉट लाइक फोकसिंग टाइम मांगता है YouTube. या सो यूट्यूब में एडिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, 15-15 मिनट की वीडियोज़, उसके लिए आपको घंटे का एटलीस्ट शॉर्ट चाहिए होता है टू एडिट इट. मेरे में इतनी स्टैमिना नहीं है, स्पेशली आफ्टर डूइंग इंस्टाग्राम, यूट्यूब वाला नहीं रहा. विद यूनिवर्सिटी एज वेल आई कांट हैंडल एवरीथिंग. राइट. ओह सो यू स्टिल स्टडी? यस. वेयर डू यू गो टू स्कूल? कॉम्स आर्ट्स. कॉम्स आर्ट्स. अच्छा. व्हाट आर यू स्टडी? साइकोलॉजी. अच्छा. दैट्स कूल. अभी आपका दिमाग पढ़ लूं? हां बताएं बताएं मेरे बारे में अभी क्या सोचा आपने? आप यही सोच रहे हैं कि मैं क्या बताऊंगी आपको? ओके. बोला इसलिए बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस ना, देयर लाइक कि आप अच्छा साइकोलॉजी पढ़ती हो, बताओ क्या सोच रहा हूँ. मैंने कहा तुम यही सोच रहे हो इस वक्त कि मैं भी तुम्हें क्या बताऊंगी तुम्हारे बारे में. अच्छा चलो ठीक है, ये तो मेरे बारे में हो गया, इनके बारे में
मुझे क्या पता मैं कौन से था पढ़ती हूं अच्छा अभी आपने दो साल पढ़े हैं ना हां जी आई मीन 6 सेमेस्टर नाउ ओके टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं 8 सो थर्ड ईयर हुआ फिर तो या कोई सेमेस्टर फेल हुआ नहीं झूठ अल्लाह का शुक्र है थोड़ा टाइम लगा नहीं बोले नहीं अल्लाह का शुक्र है कभी सेमेस्टर फेल मैं हमेशा एंड पे पढ़ती हूं जाके और इतना अच्छा पढ़ती हूं ना कि बस हो जाता है हो जाता है अभी मेरा 3.1 जीपीए इतनी बुरी नहीं हूँ सॉरी पढ़ाई में अच्छा और भी कहीं अप्लाई किया था कॉन्सर्ट्स के अलावा BNU में किया था नहीं हुआ आई वांट टू गो नहीं हुआ था उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया बट माय डैड वाज लाइक कि मैंने जाने नहीं देना लाहौर इधर ही करो अच्छा करीब ही रहो यहाँ पे सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया BNU में हो गया एंड ही वाज लाइक कि जाके इंटरव्यू दे दो मतलब तुम्हारा एक्सेप्टेंस आ गया इंटरव्यू दे दो लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा फिर क्या फायदा अगर मैंने इंटरव्यू दे दिया अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो और दुख होगा कि मैं जा नहीं सकती शायद जाने देते आप नहीं अच्छा नहीं जाने देना था बहुत स्ट्रिक्ट है सो स्ट्रिक्ट नहीं है आई मीन हम क्योंकि पहले रहते थे FFC सो रेमिया खान में ना इट्स अ वेरी क्लोज सोसाइटी ना तो आई फील लाइक उस छोटी सोसाइटी में वेयर एवरीवन नोज एवरीवन वहाँ से निकल के एक बड़ी जगह पे आना शहर में तो इट वाज अ न्यू थिंग तो हमें भी उस आदत नहीं है एक शहर में रहने की लोगों का नहीं इतना पता होता बिकॉज वहाँ पे भी लिमिटेड लोग होते हैं जिनसे यू इंट्रैक्ट एवरी डे सो स्ट्रीट स्मार्ट कह लें कि इतनी नहीं हूँ मैं नहीं है आप स्ट्रीट स्मार्ट और यहाँ पहुँच गई हैं अब जाके when I started working with different brands and different people तब जाके थोड़ा आइडिया होना शुरू हो गया था So now, अच्छा. kind of मैं कह सकती हूँ street smart but not really. तो इकरा में भी apply किया था नहीं मैंने BNU और फौजी फाउंडेशन में किया था मीडिया में किया था एंड इधर कॉम्स आर्ट्स में किया था अच्छा मैंने इतनी जगह नहीं अप्लाई किया सो यूनिवर्सिटी कैसी लगती है आपको जहर लगती ये क्यों होता है मैं तुम्हें कैसी लगती थी अपनी यूनिवर्सिटी मुझे बहुत बुरी लगती थी दिल ही नहीं करता था मैं मुझे भी क्यों ऐसे होता है लेकिन जब नहीं जिनका 4GPA आ रहा होता है उनको नहीं जहर लगता मेरा तो बहुत बुरा GPA था मैं बोल भी नहीं सकता इनका तो सही है 3+ है ना इतना मैं गोल यही है मेरा कि 3 से बस नीचे नहीं जाना सो मे बी दैट्स व्हाई मोटिवेशन यही शुरू दिन से रखी लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ का होता है कि क्यों अच्छी लगती है फ्रेंड्स फिर जब आप आई थिंक जब आप ग्रेजुएट कर जाते हो तो फिर आपको होता है कि यार वो बड़े अच्छे थे एग्जैक्टली वो याद आते हैं नो बट आई फील लाइक विद अस व्हाट हैपेंड वाज कि मेरा सेकंड सेमेस्टर में आधा हुआ था और फिर कोविड हो गया था लॉकडाउन हो गया था सो फिर मैंने कोई यूनिवर्सिटी लाइफ उस एक्सपीरियंस की नहीं एंड बिकॉज ऑफ कोविड अब कोई इवेंट्स होते भी नहीं है कोरोना हो जाता है किसी ना किसी को सो इसलिए I probably won't miss my university life. Corona ho jata hai kisi ko. Corona ho jata. Sorry, kya keh rahe ho? Humne rakha hai wo distance kya kehte hai? Distance rakha hai. Social. 6 feet se zyada hi rakha hai. Yes. To acha suna hai aap ukulele bada bajati hain? Yes, sahi talk kiya aapne. Ye humne rakha hai aap. Ye bada ukulele. Haan, bada 16 wala ukulele. Maine guitar se shuru kiya tha. हाँ जी ये गिटार है ना मैंने गिटार सीखना शुरू किया था पहले बार कहाँ से YouTube अच्छा बचाना बजाना आता है आपका नहीं एक बड़ा मशहूर गाना है बचाना अच्छा? सुना आपने सुना नहीं है गाना नहीं बट सीखने की कोशिश की थी नहीं हुआ पे तो यूकेलेले कैसे कि चार थी चार इजी है मारी दो के मैंने पहले देखा कि लोग कैसा बजाते हैं सो इट सीम्ड इजीियर अच्छा यही कर लेते हैं लाइन ही आ जा नहीं गाड़ी में पड़ा फिरना होता है वो गिटारिस्ट की निशानी होती है एक एक्टर है अदनान सिद्दीकी उनके बारे में पता है आपको हाँ जी वो फ्लूट बड़ा अच्छा बजाते हैं तो फ्लूट ओके तो यही मैं सादिकाबाद के पास जब शूटिंग कर रहा था सम्मी में वो मेरे साथ थे तो वो फ्लूट हर वक्त बजा रहे होते थे और वो पता नहीं उन्होंने कहीं छुपाई भी होती थी फ्लूट जिधर जाते थे साथ उनको बोलो ना वे सेकंड के नोटिस में कहीं से निकाल लेते थे आई थिंक वो एफएफसी गए थे I saw my friends take pictures with him. Yeah, because हम वहाँ पे सारे shooting कर रहे थे. I think गए थे वहाँ पे. वो एक hotel था जिधर हम सारे रह रहे थे वहाँ पे. आपके पास कोई gin stories हैं? Gin stories नहीं, लेकिन I love to hear gin stories. कोई अच्छी सुनी हो, कोई जबरदस्त. अच्छी सुनी हो. पता नहीं कि मैं किसी को सुना दूं बाद में कोई देखे और कहे कि मेरी जिन स्टोरी तुमने एक्सपोज कर दिया मैं ऐसी किसी की स्टोरी नहीं बताना चाहती नहीं उधर रहीमिया खान में तो बड़ी होती हैं रहीमिया खान में बस ये सुना था कि देयर इज काफी स्ट्रीट्स है ना सो देयर इज अ स्ट्रीट उसके पीछे ग्रेवयार्ड है तो वहां पे बस हर जगह ही होता है बट लाइक इतनी छोटी सी जगह है तो वहां पे ग्रेवयार्ड होना
सेंस नहीं बनती, उसका पार्ट बना दिया वे शायद, मुझे पता नहीं, इट्स बिन ईयर्स हम वहाँ पे गए नहीं दोबारा. लेकिन तब सुना था कि चुड़ैल होती थी वहाँ पे, और एक दफ़ा बचपन में ये स्टोरी सुनी थी, उसके बाद कभी भी नहीं सुनी, कि एक सिक्योरिटी गार्ड था और वो स्ट्रीट पे जा रहा था, एंड देयर वाज अ गर्ल, एंड उनने कहा कि आप इतनी देर रात को बाहर क्या कर रही हैं. तो उन्होंने जब नीचे देखा तो उसके पांव टेढ़े थे, फिर वहाँ पे भी होश हो गए. सो दिस वाज अ स्टोरी आई हर्ड. इतनी स्टोरी सुनी है मैंने. कब की बात है ये? जब मैं छोटी थी, लाइक. अच्छा, तब मोबाइल फोन नहीं थे. हाँ. मैं होता तो फोन निकाल के देखता तो सही ना, कैप्चर करता एविडेंस किसी को दिखा. वो तो उन्होंने मार ही दिया सिक्योरिटी गार्ड को, कि वो सिक्योरिटी गार्ड तो को मार दिया, कि चुड़ैल को मार दिया. सिक्योरिटी गार्ड को. आई हैव हर्ड कि लोग कहते हैं जो उनके घर आगे बना में कहते हैं कि आवाजें आती हैं. अच्छा, आई डोंट नो, मैं कभी गई नहीं. नहीं, आपके अलावा नहीं आ रही. आपके अलावा किसी की आवाज? मतलब मेरी भी नहीं आ रही. What if मैं आपको बोलूं कि मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, सिर्फ आप हैं और कोई? ये मेरी इमेजिनेशन है. आप ख्वाब देख रही हूँ मैं. यहाँ पे तो कोई भी नहीं है. अच्छा, आप अपने आप से बातें कर रही हैं मेटावर्स में. आप वैसे ही करती रहती हूँ अपने आप से बातें, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड. तो अच्छा, हम यूकेलेले के बारे में बात कर रहे थे. आपने कैसे सीखा? यूट्यूब से ही सीखा था. आई सर्च सम डिफरेंट सॉन्ग्स और फिर थोड़े बहुत कॉर्ड्स आ गए, दैट्स इट. अच्छा, और यूकेलेले में वो, क्योंकि नायलन की स्ट्रिंग्स होती हैं तो दर्द भी नहीं होती सीखने में. हाँ, नहीं होती. तो गाना भी साथ गाती हैं? थोड़ा बहुत. सुनाए जरा. नहीं. उसके बगैर तो नहीं. नहीं, गिटार के बगैर. हमने आपको बुलाया है गिटार पर. आज पॉडकास्ट थोड़ी था, आज तो हमने फंक्शन रखा हुआ था, सिंगिंग सेशन रखा हुआ था. नहीं, सुनाए. नो, थैंक यू. चलें 10 मिनट बाद देखते हैं. चलो, क्या वेट कर रहे हैं? हाँ, वेट आएगा ही नहीं. मिलना ही नहीं लगा. नहीं आएगा. ये बताएं कि कोई ऐसा हुआ है कि आए हो कोई क्लाइंट, आपने मेकअप किया और वो कहें ऐ की कीते? मैंने मेकअप किया? हाँ. उनके ऊपर या अपने ऊपर? उनके ऊपर. नहीं, वो कहें कि ये हमें पसंद नहीं आया? नहीं, कभी नहीं. मैं जाने नहीं देती अगर किसी को पसंद है. मैं तो पूछती थी दफा कि आपको पसंद है नहीं पसंद. लोग शीशे में मुंह घुसा देते हैं इतना. नहीं, कोई नहीं कहता कि सब 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन. यस, दैट्स कूल. या, गारंटी देती हूं आपको. जबरदस्त. तो ये तो फिर अच्छी बात है. मैंने कहा वरना कोई स्टोरी होती, कोई आप बताती हमें कैसा हुआ. फिर उन्होंने कुछ बैड कस्टमर एक्सपीरियंस वो जानना चाह रहे हैं बेसिकली. बैड कस्टमर एक्सपीरियंस तो नहीं होता. इस तरह होता है कि एंड टाइम पे लोग कैंसिल कर देते हैं. हाँ, उस पे तब चढ़ती है. फिर आप क्या करते? क्या करती हूँ मैं? कहती हूँ कि अब आइंदा नहीं, मैंने आपको ब्लॉक कर देती हूँ. नहीं, बट मैं दो तीन दफ़ा करती हूँ. अगर वो आगे से दो तीन दफ़ा ऐसे करते हैं तो फिर आई जस्ट डोंट टेक देम एज क्लाइंट्स एनीमोर. और बैड तो कोई एक्सपीरियंस ही रहा. ये हुआ है कि एक कस्टमर आई थी मेरे पास और वो बीच में सो गई थी. आई वॉज डूइंग मेकअप. या आई वॉज डूइंग मेकअप और ना वो ऐसे हल्का सा मुंह खोल रही थी. आई थॉट कि वो कुछ बोलने लगी है ना, कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद. तो वो ऐसे थोड़ी सी गिर गई साइड पे. तो मैंने कहा अच्छा सो गई, वो खुद ही उठ गई थी. तो शी इज़ लाइक कि आई स्लेप्ट. मैंने कहा ओके. मैंने कहा कि मैं कितनी देर से सो रही थी. सुबह 7 बजे आई थी मेरे पास. 7-8 बजे तैयार होने की शादी थी उस दिन. उनके घर में कोई शादी थी, उनकी शादी नहीं थी. यू डू अ लॉट ऑफ ब्रांड वर्क, राइट? यस. वीडियोस एंड स्टफ. कोई तंग करता है ब्रांड वाला कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनानी चाहिए? हर वक्त यही कह रहे होते हैं. इस बात में बात कर सकती हूँ, बहुत लंबी बात कर सकती हूँ. आई फील लाइक कि आजकल जो लोग आते हैं ना कैंपेन्स लेके, दे वांट डीवीसीज, कमर्शियल टाइप हो. सो वो जो एक्सपेक्ट करते हैं ना. हाँ, छोटा सा बजट होता है एंड दे एक्सपेक्ट कि फुल डीवीसी होगा. उसमें ये भी मेंशन करें, ये भी करें, इस एंगल से भी दिखाएं, ये भी हो, प्रोफेशनल होना चाहिए. सो आई फील लाइक वो जो ब्रांड होते हैं ना, वो अपने तरीके से देखता होता है कि इंटरनेट पे चलता क्या. आपको ज्यादा बेहतर पता है ना कि ऑडियंस के लिए क्या चलता है. यस, सो लाइक माय ऑडियंस इज डिफरेंट. तो मैं उनके हिसाब से कंटेंट बनाऊंगी. दैट्स हाउ आई एम गोना गेट व्यूज. अब ब्रांड को लगता है कि वो ब्रीफ दे देते हैं एंड दे जस्ट कि लाइक प्रोफेशनल चाहिए, ये ब्रीफ है, ये बातें आपने बोलनी है. एंड उनको फिर जब व्यूज़ नहीं मिलते तो फिर वो उनको और होता है कि हमें तो यार व्यूज़ ही नहीं मिले. हाँ. क्यों नहीं मिले? बिकॉज हाँ. आपने हमें क्रिएटिव फ्रीडम ही नहीं दी. सो दैट्स व्हाई यू डोंट गेट व्यूज़. आपको फिर वो होता नहीं है. देन दे लाइक हमने पैसे दिए तो हमें उतने का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या उतना ही वापस नहीं मिला. yeah. तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं. तो ये एक इशू मुझे लगता है. जो है लड़ाइयाँ नहीं होती आपकी? लड़ाइयाँ नहीं होती. आई हैव अ मैनेजर तो मैं उसको कहती हूँ. अच्छा, आपको ये लगता है कि बहुत सारे लोगों ने फेक फॉलोअर्स खरीदे में? हाँ, कहाँ से मिलते हैं? हमने भी खरीदने.
मुझे तो मैसेजेस आ रहे होते हैं इस पॉडकास्ट के लिए मुझे तो मैसेजेस आ रहे होते हैं आप इतने पैसे दें आपको इतने फॉलोअर्स मिलेंगे हां वो भी भेज रहे होते हैं हां बट आई फील है कि उसका क्राइटेरिया भी होता है कि आपको फिर अपना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है पेज पे वरना फॉलोअर्स गिर जाते हैं फायदा नहीं है एंगेजमेंट पे सब पैसे मिलते हैं आजकल यस और लाइक क्या कहते हैं वर्ड ही भूल गई हूं मैं ऑर्गेनिक फॉलोइंग होनी चाहिए यस तो सीक्रेट क्या है इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने के लिए और लाइक्स बढ़ाने के लिए सी मेक कंटेंट दैट्स रिलेटेबल टू पीपल जो लोग देखना चाहते हैं क्या देखना चाहते हैं लोग जैसे इन माय शादी पे ऑनेस्टली बहुत देखना चाहते हैं मेरी जब मंगनी हुई थी ना और मैं जब वीडियोस इस पे अभी मैं आना चाह रहा था कि शादी हुई कि मंगनी हुई है हमें लग रहा है शादी हुई है नहीं यू ओनली 21 राइट यस वी वर लाइक शॉक्ड कि 21 पे शादी हो गई बट मंगनी हुई ओके कूल सॉरी गो अहेड सो उस पे मुझे काफी व्यूज आते थे तब मेरा पेज इट वाज लाइक बूम उसमें आ गया था स्टोरी से मुझे 20-25,000 व्यूज ऐसे मिलते हैं लेकिन उन दिनों में 50 तक जा रहे थे अच्छा सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी लेकिन ये मैंने देखा कि लोग पीपल लाइक शादी कंटेंट अ लॉट सो यू मेक स्टफ लाइक दैट लाइक आप आउटफिट वीडियोस बना रहे हो तो इंक्लूड समथिंग शादी वेयर देसी फिट्स डाल दो पीपल लाइक दैट राइट एंड ट्रांजिशंस भी बहुत पसंद है लोगों ट्रांजिशन भी बहुत पसंद है मुझे खुद बहुत पसंद है इतना आसान होता है ना बनाना अच्छा क्योंकि बस बिफोर एंड आफ्टर ही करना और हां जो बीच वाला पार्ट होता है ना उसमें टाइम लग जाता है एक दो घंटे लग जाते हैं But yes. yeah, the actual makeup takes a lot of time, right? Yes, makeup, dress decide करना, क्या पहनने, क्या नहीं, and इतने कपड़े तो नहीं हैं, obviously तो लोगों से कभी-कभी मैं भी brand से collab करती हूँ, तो ये होता है कि that is a struggle कि आपको नए कपड़े, नई jewelry, so you have to do something new every time. आप वही चीज़ दोबारा करके नहीं आ सकते वापस and expect के people comment करेंगे या इतने views मिलेंगे. Yeah. So that's it. ऐसे हुआ है कि बहुत कोई एफर्ट डाली हो ट्रांजिशन में और व्यूज ना आए हो और दिल उदास हो गया यार क्या नहीं ऐसे हुआ है कि मुझे नहीं अच्छी लगती थी वीडियोस और वही अच्छी जाती थी वो वायरल हो जाती हैं हाँ अभी आई थिंक कुछ महीने पहले आई डिड अ वीडियो माही वे पे गाना था रीमिक्स उस पर किया था तो मैंने कहा एमवीसी है डाल देती हूँ तो उस पर टिकटॉक पे आई एम ऑलमोस्ट ऑन 2 million व्यूज राइट नाउ उस पे एंड वहाँ से फिर इंडिया वगैरह से भी काफ़ी फिर लोग आए थ्रू माई टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे आए एंड ऑन इंस्टाग्राम 4-5 lakh व्यूज हैं उसके ऊपर सो दैट्स लाइक द मोस्ट वायरल दैट आई गॉट कि लोगों ने रिक्रिएट किया टैग किया बट यू डिडंट पुट टू मच एफर्ट इनटू दैट हाँ फॉर मी इट वाजंट टू मच एफर्ट लेकिन लोग देखे थे तो दे वर लाइक वाउड बाय क्योंकि मैं ट्रांजिशन की तैयार ट्रांजिशन नॉट तैयार ट्रांजिशन दिस कुछ और कपड़े पहने हुए हैं तो कुछ और अगर आपको पता हो ना कि आपने ट्रांजिशन कैसे बनानी लाइक आई प्लान आउट माय ट्रांजिशंस पहले मैं लिख लेती हूँ सारा कि मैंने ये करना है सो मैं उसके ना ऑर्डर वाइज जाती हूँ लाइक अगर मैंने जो शॉर्ट्स बनाने ना सिंपल कपड़ों में नो मेकअप पहले मैं सारे वो फिल्म करती हूँ एंड देन जो जिसमें थोड़ा सा तैयार होना होता है देन आई फिल्म दोज पार्ट्स उसके बाद एडिटिंग में जब आप सब कंबाइन करते हो तो पता थोड़ी ना चलता है कि कब क्या फिल्म किया है सो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको नहीं आती एडिटिंग करनी या जिनको नहीं पता कि पीछे क्या चलता है सो दे आर मोर स्टंड बाय इट लाइक दे आर मोर वाउड बाय इट या फॉर श्योर बट आई फील लाइक ज़्यादा लोगों को इतना वो आइडिया नहीं है कि कितनी एफर्ट होती है इसमें हाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है लेकिन देन यू आल्सो गेट द रिवॉर्ड या इधर बैठी हुई हूँ सो दिस इज लाइक माय रिवॉर्ड मैं वही आपको बताई थी शुरू में कि मैं यही सोच रही थी कि यू मेड इट इफ यू कम टू लाइट्स आउट पॉडकास्ट यू मेड इट आई मेड इट बस इसके बाद खत्म कुछ भी ये लोग नहीं अप्रिशिएट करते फॉर ग्रांट घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसे ही होता है सॉरी आई कट यू ऑफ हां सो आई वाज सेइंग कि देयर वाज अ पॉइंट कि मैं बंद कर रही थी अपना पेज एंड मैं कल यही सोच रही थी कि मैं बंद कर दी थी तो यू नो आज यहां भी ना होती मैं सो ये है आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं हमने फिर भी आपको बुला लेना था फिर भी I don't think so. But nee, thank you so much. So aur opportunities mili hai aapko koi acting ki modeling ki? Nice question. Nahi, acting ki not really. Drama mein nahi bulaya kisi ne. I did go to kya kehte hain ek channel launch hona tha. Uske morning show ke liye segment ke liye I did audition for that. I got selected for it. Lekin phir mere se nahi hua tha. Lights dekh ke ghabra. Lights, cameras
इतनी बड़ी बड़ी टीवी भी अपनी शक्ल देखना, सो नहीं नहीं हो रहा था मेरे से। इधर भी तो हमने इतना बड़ा टीवी लगाया है, मेरी शक्ल तो नजर आई ना उसके ऊपर। ये करें जरा लगाएं। नहीं, फिर अलग ही कमरे है, उसमें लोग बैठ के ये बोले। अपने में तो होता ना कम्फर्ट होता है कि अच्छा मुझे पता है कि मैंने ये बात बोली है, मैं यहाँ से कट करके ये लगा दूंगी तो चल जाएगा। So you like basically making content for yourself, like on your own? Yes, on my own. Goal क्या, dream क्या? ड्रीम क्या है? एक तो पूरा हो गया ना, पॉडकास्ट पे आ गया और लाइट्स आउट पॉडकास्ट, लेकिन और बड़ा इससे बड़ा करना मुश्किल है। ड्रीम मेरा होता था कि यार मुझे ना पॉडकास्ट पे जाने में देखने में बड़ा मजा आता है। सो मेरा होता था कि आई हैड अ फ्यू पीपल इन माइंड कि जो पॉडकास्ट आजकल कर रहे हैं ना, मेरा होता था कि यार ये मुझे नोटिस कर ले, बस कहीं से देख ले मुझे और बुला ले। सो आपने नोटिस कर लिया और ही ऊपर मैनिफेस्ट किया आपने। हां, टेलीपैथी हो गई है। तो बिलीव करती है मैनिफेस्टेशन में? Kind of, yes. I do believe in this thing. Achha. आप करते हैं? हाँ. Like आप, आपका क्या experience है? Have you thought about something जो हो गया? नहीं, मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला, जो भी मैंने उसका उलट ही मिला। मैं जाना उधर चाहता था, वापस इधर आ गया। U-turn लग जाता है मेरा, तो समझ नहीं आता। फिर बैठ जाता हूँ मैं, यार ये manifestation भी नहीं काम कर रही, सबके लिए काम करती, मेरे लिए नहीं काम करती। तो मे बी मैं तरीका सही नहीं कर रहा। लोग बाथरूम में जाके नहीं गाने गाते, मैं पॉडकास्ट दे रही होती हूँ कि अच्छा ये बातें करूंगी, अगर मुझे किसी ने बुलाया ना तो मैं इस तरह की बातें करूंगी। हम तो पता नहीं क्या बोले, तो आप बोले क्या बोलूं? आप समझे कि हम आपके गेस्ट आए हैं पॉडकास्ट पे, क्या पूछेंगे? आप लोग का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। कोई सवाल हमसे पूछना चाहे? मैं सिंगर हूँ बाय द वे, आपको पता है ना। अच्छा, ये गिटार हमने ऐसे थोड़ी रखा हुआ। अच्छा, वैसे क्या सीन होता है, जितने भी गिटारिस्ट होते हैं गिटार बजाना आ जाए, गिटार लेके फिरते रहते हैं साथ साथ लेके फिरते रहते हैं। हाँ। ये क्या सीन होता है? कौन सी आपकी बेइज्जती वाली पॉडकास्ट? बेइज्जती वाला पॉइंट। वेलकम टू बेइज्जती आउट बाय जिया एके जावेरिया। बेइज्जती आउट। अब आपने कहा इंटरव्यू लो तो मैं इंटरव्यू ले रही हूं। हाँ, तो मैं आपको अभी जवाब देने वाला था कि शौक है ना, नींद में भी मैं इधर ही एक्चुअली सोता हूँ। डूब रहा था उसमें, मैं डूब रहा, यस जल्दी से लिखो, फिर सो गया मैं, फिर सुबह उठा तन्हाई के सवारे से। मुश्किल काम है, हर किसी को नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। यूकेलेली तो हर कोई बजा लेता है। बजाता क्यों नहीं हर कोई फिर? आपको क्यों नहीं आता बजाना? हाँ, मुझे बस बहुत मुझे नहीं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, मैं ड्रम्स बजाता हूँ। अच्छा, सो कुछ बजाता जरूर कुछ बजाता तो और कुछ हमसे पूछना चाहे? आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई? लाइक किसने कहा दोस्ती है? नहीं दोस्ती, तो ऐसे ही बैठे हैं काम के लिए, सड़क से। मैंने कहा जो यार नहीं, कब हुई थी और कैसे हुई थी? हम जानते हैं एक दूसरे को, आप उतनी, आपकी उतनी एज नहीं है जितनी पुरानी हमारी दोस्ती है। ऐसा ही कुछ है। अच्छा। बस ये ढूंढ रहे थे कि इनके कोई दोस्त बन जाए। मैं यार चलो यार मैं बन जाता हूँ, क्या याद अपनी दोस्ती से ब्लेस कर देता हूँ। हाँ, तो एक फिल्म देखने गए हुए थे हम। नहीं नहीं, ये फैन थे असल में मेरे। कॉन्सर्ट पे खड़े हुए थे, फर्स्ट रो में ना तालियां मार रहे थे। मैं कहा आ जाओ यार, क्योंकि और उस वक्त मेरे पास ऑडियंस नहीं थी, एक ही बंदा था। मेरा एक और सवाल, आपने क्या, मैं आपकी फर्स्ट गेस्ट हूँ
या आपने पहले भी किसी से? आप फर्स्ट और वाहिद हैं हमारी. आप और इन्फ्लुएंसर्स को लेंगे? और इन्फ्लुएंसर्स को लेंगे, प्लान है? नहीं नहीं, मेरे मुझे मेरे को कह रही थी मुझे क्यों ये कहाँ से निकले, मैंने कभी भी नहीं बोला ये. नहीं आप ही हैं, सच बात बताएं तो सिर्फ आप ही हैं. आपको यूज करके फिर हम और लोगों को घेरेंगे ना, अगर आपको फायदा मिले मेरे से मुर्गी को पकड़ जाए आ जाए हमारी पॉडकास्ट पे प्लीज. तो आपकी फियांसे क्या करते हैं? ही इज स्टडीइंग राइट नाउ. वेयर? कॉमसेट्स? नहीं, अमेरिका में. ही इज इन ओक्लाहोमा राइट नाउ. ओह, मे में ग्रेजुएट. सो लॉन्ग डिस्टेंस? लॉन्ग डिस्टेंस. एंड अरेंज है के अरेंज? लाइक मैं जानती थी पहले कि कौन है ये, लेकिन कैसे जानती थी? नेबर्स हैं. अच्छा. तो मामा की फ्रेंड है, उनका बेटा. अच्छा. लाइक बिल्कुल सामने घर है. उनको भी शाउट आउट दे दे. उनको उनका जो इंस्टाग्राम नहीं इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम प्राइवेट रखा हुआ है उन्होंने. अच्छा, उनका प्राइवेट रखा उनका प्राइवेट है. वो टैग करूँ ना तो कहता ना किया करूँ, इतनी लड़कियों की रिक्वेस्ट आती है. उनका खुश होना चाहिए, इतनी लड़कियों की रिक्वेस्ट आती है. हमें तो कर दें टैग. करूँगी, जरूर करूँगी. अच्छा, तो वो लास्ट कब आए थे पाकिस्तान? अभी जुलाई, मतलब लास्ट आए थे दिसंबर में. अच्छा. 2021 में. ओह ओके. सो फिर गए थे मंगनी के बाद अगस्त में. अभी हुई है मंगनी? हाँ, 24 जुलाई को हुई थी. 2024 जुलाई को. बोरियत की वजह से, लाइक कोविड जब हो रहा था तो और कुछ करने को नहीं था. टिकटॉक के बाद कोविड ने सबको फेमस थोड़ा किया, आई थिंक. नहीं, मैं तो कोविड से पहले तो फेमस ही थे ना. मैं अपनी बात कर रही हूं. कोविड की वजह से तो और खराब हो गया, जो फेम था वो भी चला गया. चला गया. नहीं, पर आपका काम कैसा जा रहा है? बहुत बुरा, आपके सामने देखेंगे बट पॉडकास्ट बनाने बैठ गई. जब किसी के पास कुछ नहीं होता ना करने को तो पॉडकास्ट बनाते हैं, देख लें. बट तो okay. और कुछ पूछना है? और कुछ नहीं. जो आपके नए गाने आ रहे हैं उस पर आपको क्या मतलब फीडबैक मिलता है? एक होता है ना कि अगर आप एक चीज़ से पहचाने जाओ, लाइक योर सॉन्ग बचाना, आप उससे पहचानेंगे हो, उसके बाद व्हाट वाज योर मोटिवेशन फॉर अदर सॉन्ग्स? होते हैं ना, जैसे मैं काम करती हूँ, आई एम लाइक इससे अच्छा मैंने बनाना है काम, ताकि पीपल यू नो डोंट पुट देयर फोकस ऑन दैट, सिर्फ मैं इस चीज़ से ना पहचाना जाऊँ. आई वॉन्ट कि मैं और चीज़ें करूँ जिससे लोग मुझे पहचाने. या मेरे लिए लाइक गाना सॉन्ग राइटिंग इज इट अबाउट पहचान एज मच, इट्स मोर अबाउट लाइक आई जस्ट हैव नो ऑप्शन बट टू मेक म्यूजिक बिकॉज आई रियली रियली लव मेकिंग म्यूजिक. एंड देन जो मैं लिरिक्स लिखता हूँ, इट्स बेसिकली अराउंड माई लाइफ. सो वट एवर इज हैपनिंग, अगर सैड हूँ तो सैड गाने, अगर हैप्पी हूँ तो हैप्पी. सो इट्स लाइक एन आउटलेट फॉर मी. आई ऑनेस्टली लाइक हैव नेवर थॉट कि अच्छा लाइक इतनी स्कीन नहीं की कि इसके बाद फिर ये होगा फिर ये होगा. अब वो अब लाइक बचाना मैंने बस बना दिया था, क्योंकि लम्स में बहुत बुरे ग्रेड्स आ रहे थे तो इस पर बना दिया. आई डिडंट नो कि इतना बड़ा ह्यूज हिट हो जाएगा. सो अगर मैं ज़्यादा प्लान करता मे भी नहीं होता, बट आई वाज जस्ट लाइक ट्राइंग टू यू नो, जैसे रिलेटेबल कंटेंट है गाने भी उसी तरह है. सो आई जस्ट पुट इट आउट कि ये फीलिंग है, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. यू माइट लिसन टू वन ऑफ योर सॉन्ग्स, मैं रोई भी हूं. कौन सा वाला? याद नहीं है नाम. अच्छा, कभी गम ना है. लॉकडाउन में आई थिंक कोई निकला था गाना. नहीं, मुझे ऑनेस्टली नाम नहीं याद. साउंड क्लाउड में मैंने सुनना शुरू किया था एंड काफ़ी सेंटी हुई थी, सो आई क्राइड टू दैट सॉन्ग वंस. यस, वो गाने का नाम नहीं याद. फिर आपका मिशन अकॉम्प्लिश, रोने धोने वाले गाने रुला दिया आपने. फिर देखें आज को पॉडकास्ट पे बुला के हंसा भी दिया. यस, बराबर हो गया. अब मैं हर आर्टिस्ट के गाने पे जाके रोना शुरू कर देती हूँ कि वो जो पॉडकास्ट वाले स्टेज पे आए तो मुझे बुला ले. नहीं, अब पॉडकास्ट तो एक ही है दुनिया में, एक ही है. इसके बाद अब यूनिवर्स में, इसके बाद अब एलन भी आपको बुला लेना, वो फीलिंग ही नहीं आएगी. एलन कौन? चलो, एलन डीजेनरेस का नहीं बताओ? नहीं. जस्टिन ट्रूडो का बता? Yes, वो प्राइम मिनिस्टर है. वो यूट्यूबर है. वो प्राइम मिनिस्टर है. उनका चैनल है जस्टिन ट्रूडो व्लॉग्स. इसी चीज का डर था कि मुझे पॉडकास्ट से बुला के ना मेरा टेस्ट लिया जाएगा और इसमें बहुत डम हो जाऊंगी. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं. नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता आपको? शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं पता आपको? ये तो नहीं.
अच्छा, आपको ये पता है कि मेरा नाम क्या है? नहीं, वैसी आई थी। आतिफ असलम का नाम नहीं सुना हुआ आपने? अच्छा, आप आतिफ असलम है तो ये कौन है? ये बिलाल खान है। ये है अली जफर। नाइस यार, फिर तो और बड़े लोगों में चली गई हूँ। आपको क्या लगा बिलाल खान की? अभी आप मास्क उतार रहे ना जरा। अच्छा, तो इंसेप्शन से हट के और बातें करते हैं। ओके, आपकी मैंने कसम खाई है कि कभी किसी से ये नहीं पूछना कि आपका फेवरेट कलर क्या है, लेकिन लग रहा है कि ऑरेंज है। येलो। हंस क्यों रहे? जो सॉक्स की वजह से कि मैं सॉक्स पहन के आई ना, मैं सोच रही थी, मैंने कहा पूरा आउटफिट इतना डल है, सॉक्स इतने कलर डाले। हां, कलर। आई लव सॉक्स। अच्छा, पसंद है मुझे सॉक्स। हैप्पी सॉक्स। तो आप सॉक्स का ब्रांड शुरू करें। सॉक्स का ब्रांड शुरू करें, बहुत हिट जाएगा। नहीं यार, क्यों? कभी ब्रांड बनाने का सोचा ही नहीं। आप कपड़े आउटफिटर से लेती हैं? आउटफिटर, सफायर, सफायरिस्ट। अच्छा, और बीके वेयर से लिया कभी कुछ? एक नया ब्रांड आया। हाँ, मैंने देखा था, आप बहुत प्रमोट कर रहे थे हर एयरपोर्ट में जाके। इतने पैसे देते हैं, प्रमोट ही कर रहे हैं। नहीं, वैसे आपका बिजनेस कैसा जा रहा है? क्या चीज? ये बीके वेयर का बहुत अच्छा जा रहा है, मिल ही नहीं रही हमें, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे? अपने ही प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंस मार्केट कर, अपने खुद ही इन्फ्लुएंसर, खुद ही इन्फ्लुएंसर, खुद ही पहन पहन के प्रमोट किया। कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा, सारा स्टॉक पड़ा, मजाक कर रहा हूं। आपको बुलाने का मकसद ही ये है कि जरा गपशप हो, तो आपको आप अपने मुझे एक पहना देते ना, कोई जैकेट्स वगैरह आपने बनाई है? जो स्टॉक पड़ा है वो निकालो ना। असल में हमारा सारा सोल्ड आउट हो गया, तो हम बस है नहीं, सॉरी। 100 बनाई हो तो सोल्ड आउट ही हो जाती है। करोड़ों बनाए तो सारे सोल्ड आउट हो गए। अभी बना के स्टोरी लगा देते तो सारे वहाँ पे बिक जाते थे। नेक्स्ट सीजन में आपको रखेंगे। ठीक है, ठीक है, रखेंगे। अब तो हो गए, रिकॉर्ड भी हो गए, ना रखा ना। नहीं, अब डिपेंड करता है आप पैसे कितने मांगती हैं। नहीं, आपके लिए फ्री में। ये बात है, ये भी रिकॉर्ड हो गया। तो बस ये तो डन हो गया, यही तो हमें चाहिए था, आज का पर्पस पूरा। ओके गाइस, दैट्स द तो और कोई बात हमें सुनाना चाहिए, कोई फनी स्टोरी, कोई कुछ और, कोई फनी स्टोरी? अच्छा, आपके साथ क्या हुआ है? लाइक ऑफ कोर्स इतनी नॉन पर्सनालिटी घूमती फिरती है बाहर, कोई लोग आते हैं क्या आपके साथ? किस तरह कोई फनी इंटरेक्शन कोई हुआ हो? आप मिले हो किसी से तो आप कहो कि क्या हुआ था। मेरे साथ बहुत बहुत कुछ हुआ है। लाइक कॉन्सर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हुई हुई हैं। एक दफ़ा मुल्तान में कॉन्सर्ट प्ले कर रहा था, जब मैं स्टेज से उतरा क्राउड चढ़ गया मेरे ऊपर। वो उनके पास सिक्योरिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हाँ। तो मैंने घड़ी पहनी थी, कोई घड़ी उतारा, एक बैंड पहना था वो उतारा, कोई मेरी पैंट उतारने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं मैं कैसे वहाँ से बच के निकला। अच्छा। और क्या हुआ, मॉल जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभार कुछ काफ़ी लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब नहीं ऐसा होता, अभी मैं नीचे आपको लेने गया, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने पहचाना। इन्फ्लुएंस खत्म हो गया ना आपका। बस देखें, नहीं और देखो ना, मेमोरेबल होती है चीज़ के। आप पार्टीज में कहीं जाओ तो आप ज़रूर स्टोरी सुनाते हैं वाले कि यार मुझे एक बंदी या बंदा मिला था, तो ये चीज हुई मेरे साथ। नहीं, लाइक आई मीन बस रैंडम चीजें, जैसे कस्टम्स वालों ने रोक लिया एक दफा, फिर उनको उन्होंने कहा कि आप तो वो ड्रामे में आए थे, सम्मी उस वक्त चल रहा था, वही जो रहीम यार खान में शूट हुआ था, तो वो मेरा सामान खुलाने लगे थे। मैं इतनी लंबी फ्लाइट करके आया था, मैंने कहा यार अब इस वक्त सामान खुलाना तो सारा कुछ बाहर आ जाएगा। उसमें पता नहीं मैंने ऑडियो का भी सिस्टम रखा हुआ था, और ये बीके वेयर भी पड़ा हुआ था, बीके वेयर बहुत सारा पड़ा हुआ था, स्मगल्ड बाहर से मैं ला रहा था, मजाक कर रहा हूँ, स्मगल नहीं कर रहा। तो बट उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि आप तो वो एक्टर हैं, जाओ जाओ जाओ। तो इस तरह की पर्क्स फायदे सही है, एक्टर है तो जाओ जाओ, क्या मतलब वाकई कुछ रखा हुआ था बीच में? क्या नहीं, आपको मैं ऐसा लगता हूँ? आप मेरे इतनी देर से अब मुझे मैं बताऊंगा आपको बाद में फायदा उठाते फिर आप कस्टम वाले का। अच्छा, आपको रिकॉग्नाइज अब करते हैं लोग, क्या कहते हैं? ओ माय गॉड, अम्मी ये तो जिया है। अम्मी कह रही है कौन जिया? पता चल जाते हैं कि आप कहीं जाते हो ना, पीपल लुक एट यू, ऊंचा बोलना शुरू, कानों में बात करना शुरू करते हैं। एक दफा तो ये हुआ, मैं साथ खड़ी हुई थी, मास्क पहना हुआ था, तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बातें करी, अब इतनी ऊंची बोल रही कि मुझे आवाज आ रही है, और कह रही है यार ये जिया खड़ी हुई है ना, नहीं जिया, नहीं यार जिया नहीं है, एक मिनट उसका निकालो ना, हाँ जिया एक्स के कुछ करके इसका नाम है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ मैं भी उसको जानती हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं थी पसंद, इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। फिर मैंने जब मास्क उतारा ना, हाँ मैंने प्रैंक किया, मैंने मास्क उतारा तो देन दे रिकॉग्नाइज किए मैंने फॉर पिक्चर्स। सेल्फी ली उन्होंने। हाँ, कैमरा नहीं खोला। अब तो होता है कि मैं कोई आता ना मेरे पास, आप जिया हैं? मैं कहती हूँ नहीं, तो कहते नहीं आप जिया ही हैं। हाँ। तो किसने कह जिया हूँ मैं?
तो ऐसे तंग करने में मजा आता है, जवेरिया हूं, तंग करने में मजा आता है लोगों को. अच्छा, इस तरह हुआ कि दोस्तों के साथ बात कर रही हूं, चैनल शुरू कर दिया. कह रही है ना तंग करने का मजा, तंग करने में मजा आता है, लेकिन प्रैंक सोचना बहुत मुश्किल नहीं होता मेरे. आई कांट एग्जीक्यूट अ प्रैंक वेरी वेल, मुझे हंसी आ जाती है. अच्छा हाँ, तो क्या कर रही थी आप? सो आई वॉज सिटिंग माई फ्रेंड, बात करी थी तो बस लड़की जा रही थी, चल के आई मेरे पास, कहती अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, कहती मैं आपको फॉलो करती हूँ, मेरा नाम भी जिया है, और बस कह के चली गई. मैं तो खड़ी, मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है, बाय बाय. इन्फ्लुएंस कर गई आपको? इन्फ्लुएंस, लोग इस तरह होते हैं कि बिकॉज आई मेक आउटफिट वीडियोज़ ना, तो मुझे जूतों का इतना शौक नहीं, आई डोंट बाय अ लॉट ऑफ शूज़, सो आई हैव दिस वन पम्प्स जो मैं वीडियोज़ में ऑलमोस्ट वही पहनती हूँ. तो किसी ने एक दिन एक दफ़ा कमेंट कर दिया कि आपके पास जूते ही नहीं होते ना, आप एक ही जूते पहन के रखती हैं, जूते नहीं आपके पास क्या? हाँ, इतने कपड़े लेते हैं, जूते नहीं लेती हैं आप. सो ये हुआ, तो चलो वो तो ऑन इंस्टाग्राम हुआ, आप ब्लॉक कर देते हो अगले बंदे को. नेक्स्ट डे मैं यूनिवर्सिटी गई, अगर ये बंदी वो देख रही है ना तो मैं आपको एक्सपोज कर रही हूँ नहीं. तो खैर मैं गुजर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तो मैंने नहीं नोट किया, मेरी फ्रेंड ने नोट किया, उसने मुझे बताया कि वो गुजरी है मेरे साथ से, और मैंने ना वही पम्प्स पहने हुए थे उस दिन यूनिवर्सिटी में, और वो गुजर के कह के गई कि इसके पास बाकी एक ही जूते हैं. मैंने कहा यार सॉरी, मैंने मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा इसको बुलाओ मेरे सामने, इसको मैं अभी ठीक करती हूँ, लेकिन खैर नहीं, मैंने कुछ ठीक नहीं किया उसको. अच्छा, इससे मुझे रियलाइज हुआ कि आप तो कैंपस में बहुत फेमस होंगी, सबको पता है. हाँ, फेमस किड, कूल किड. शुरू शुरू जब कैंपस खुला था ना, तो काफ़ी लोग आए थे तस्वीरें लेने के लिए कैंपस पे, कैंपस पे अपने इस छोटी सी यूनिवर्सिटी में मैं फेमस. और लड़के आते थे बहुत? नहीं, एक लड़का है जो आया था, दो दफा आया था, आस्क आउट किया नहीं, आस्क आउट नहीं किया, पिक्चर खींचने के लिए कि सेल्फी ले लूं आपके साथ. अच्छा, हाँ लड़के नहीं इतना आते. यूनिवर्सिटी के लोग डीएम नहीं आपको ज्यादा करते? डीएम इन अ सेंस ये करते हैं कि मैं बैठी होती हूँ ना, आई एम मीटिंग समथिंग, एंजॉयिंग विद माई फ्रेंड्स, दूर से मेरी कोई पिक्चर लेगा और मुझे डीएम करेगा, मेरी पिक्चर खींच मुझे डीएम करेगा, मैंने आपको देखा यहाँ पे. इतना अजीब लगता है, इतना अजीब लगता है, मैं कहती हूँ यार अब मैं यूनिवर्सिटी में. फिर आप थोड़ा कॉशियस होना शुरू हो जाते हो ना कि अच्छा ना वो इतना खुल के नहीं मैं रह सकती, क्या पता कोई देख ले वीडियो बना दे मेरी और लगा दे. एक दफ़ा हुआ कि समवन वाज मेकिंग अ वीडियो, मैं साथ खड़ी हुई ऐसे वीडियो बना रही है मेरी, और मैं उसको कैमरे में देख रही हूँ ना, उसे जब रियलाइज किया ना कि मैं उसको देख रही हूँ, एकदम से उसने नीचे कर देखती सॉरी, मैंने कहा सही तरह बना लो. अक्सर ऐसा होता है. हाँ, अच्छा आपको सबसे ज़्यादा जहर कौन लगता है इन्फ्लुएंसर्स में? इन्फ्लुएंसर में ये मैं क्यों बताऊँ, अपना भी तो मेरे रखना है. वैसे मैं आई डोंट कंज्यूम अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट, मैं अपने पेज पे ना इतने लोगों को फॉलो करती हूँ, लेकिन वो होता ना कि उसने फॉलो किया तो फॉलो बैक किया, क्योंकि आई फील है कि अगर मैं कंज्यूम करने पे आ जाऊँ ना कॉन्टेंट, तो आई कॉन्ट मेक कॉन्टेंट ऑन माई ओन, या मेरा जो ओरिजिनल थाट प्रोसेस होता है ना, अपना थाट प्रोसेस, वो फिर ओरिजिनल ही रहता, बिकॉज मैं किसी का कॉन्टेंट देखती रहूँगी तो मेरा कॉन्टेंट काइंड ऑफ वैसा हो जाएगा, बिकॉज पीपल वेन दे रिक्रिएट माई वीडियोज ना, बिल्कुल एक एक उन्होंने मूव रिक्रिएट करते हैं, लेकिन मैं बिंदी के साथ ऐसे कर रही होंगी ना, अगली बंदी वीडियो बनाएगी वो भी बिंदी पे ऐसे कर रही होगी. सो आई फील लाइक अब यू कैन कॉपी समवन वर्क, लाइक जैसे कोई ट्रेंड चलता है, यू कैन डू दैट बट मेक इट योर ओन. सो यस, कॉन्टेंट जहर तो मुझे कोई नहीं लगता. बट आप कंपेयर करती हैं अपने एंगेजमेंट और लोगों के साथ कि उसके ज़्यादा लाइक्स आए हैं? नहीं, अपने साथ कंपेयर करती हूँ कि इस वाली पिक्चर पे इतने आए तो इस वाली पे क्यों नहीं आए. अच्छा, फिर आई ट्राई टू मेक इट लाइक अच्छा इसमें ये है तो वो है, इसको ये पसंद किसी और से आप बॉदर नहीं, नहीं. कि उसके क्यों ज़्यादा है? हाँ, मैंने तो इतनी एफर्ट डाली. नहीं, अच्छा आई थिंक लक पे भी बहुत डिपेंड करता है. तो आप लकी हुई हैं बेसिकली. हाँ, जैसे आप दनानिया को देख लो. हाँ, उसकी जो वीडियो थी पारी पारी हो रही है, वो नहीं मुझे पसंद था ऑनेस्टली शुरू में. तो शुरू में था कि इट वॉज फन, लेकिन जब सारे करना शुरू हो गए थे ना, तब एक पॉइंट आता है कि मामा सुबह आती थी उठाने के लिए, सैचुरेटेड हो तो फोन यूज करी थी तो वही लग रहा होता था, कहती तो यार सुबह उठते साथ तो निंदा करे ना ये, तो उसमें हाँ थोड़ा बंदा तंग आ गया था, बट वैसे मुझे कोई जहर नहीं लगता. अच्छा, यस, आपको कोई जहर लगता है? हाँ. मजबूरी के नाम शुक्रिया. मैं तो कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहा होता हूँ. अच्छा, क्या कंपेयर करते हैं? इसके क्यों लाइक्स आए हैं, मेरे क्यों नहीं आए?
इसके फॉलोअर्स बढ़े मेरे, क्योंकि आप क्या करते हैं मतलब ये सॉरी लगी मुझे नहीं पता, रात को सो जाते हैं ना, सुबह उठ जाते हैं मेडलर। मैं जो आपकी वो है क्या कहते हैं मेडलर एजेंसी का कंपेटिटर हूं, मेरी एड एजेंसी लाहौर में। अच्छा कंपेटिटर हैं आप? नहीं नहीं कंपेटिटर नहीं, आप मेडलर तो टैलेंट मैनेजर हां मैं यार टैलेंट ये एडवर्टाइजिंग करता हूं। दैट्स नाइस। कम्युनिकेशंस विजुअल्स उस पे करते हैं काम। ओके बातें भी करते हैं, खाना भी पता अभी तो नहीं कर रहे ना। हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? देते क्या करें अब आप बोले अब आप बोले बातें करें हो गई फिर तो हो गई बात। सो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है पाकिस्तान में बिलाल खान के अलावा? मैं अपनी फेवरेट हूँ। अच्छा बट वही वाली बात ना कि आई डोंट कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, लाइक मैं जाती हूँ देखने के लिए तो मैं ये देखती हूँ कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। नहीं अच्छा लाइक पाकिस्तान में जो हैं उनमें से आपको पाकिस्तान में लाइक अगर मैं किसी को देखूँ तो आई लाइक वलियाज कंटेंट, आई लाइक हर स्टोरीज। देन देयर इज अनदर इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर, हर नेम इज अलीना फहीम आई थिंक नाम है उनका। तो हाँ भाई उनको लाइनअप उनकी उनकी बेटी है तो शी इज वेरी क्यूट, वो उनकी स्टोरीज लगाती हैं तो वो स्टोरीज देखने में बड़ा मजा आता है। सो या आई थिंक मुझे भी ये करना चाहिए, मेरी भी एक बड़ी क्यूट बेटी है। हाँ बस बच्चों का फायदा उठाए। गुड आइडिया, बच्चों को डाल दो इंस्टाग्राम पे। सो लोगों को ये इंटरेस्ट होता है, आई फील लाइक जब लोगों की शादियाँ हो जाती ना लगता है सारे लोग मेरे से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि अपना कंटेंट चेंज कर देते हैं, शादी वाला कंटेंट फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड अपने हस्बैंड के साथ बनाना ये वाला सीन। इवन हाजिर के साथ मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं बनाती, मैंने इतना नहीं रखा हुआ कि हाँ वो अमेरिका में पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं ना। आज तो बता दिया, आज बता दिया, लेकिन वैसे मैं नहीं बताती बिकॉज आई फील लाइक जितना आप एक ओपन पब्लिक पे रखते हो ना तो उतना ही लोग पूछते हैं, इंटरफेयर करते हैं, सवाल होते हैं, कॉमेंट्स कर सकते हैं। तो ज़रूरी है जवाब देना? पहले मैं देती थी, समटाइम्स व्हाट आई डू इज़ कि आई एक्सपोज पीपल। मैं ना कोई कॉमेंट इस तरह का आए ना डी एम आए तो मैं स्क्रीन शॉट लेकर लगा देती हूँ स्टोरी पर विदाउट हाइडिंग देयर नेम। अच्छा। लेकिन जवाब में इतनी गट्स हैं क्योंकि मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आई एम अ ह्यूमन एज वेल, मैं भी तो एक हेट प्राइवेट लाइफ है ना आपकी, मैं भी तो ले ही रही हूँ ना हेट, तो आप भी लो फिर हेट, फिर मेरे जो फॉलोअर्स हैं आगे जाके उनको सुना देते हैं तो फिर उनका मुझे मैसेज आता है सॉरी वी डिडंट मीन इट लाइक दैट। कुछ लोग तो टेंशन के लिए करते हैं, जस्ट फॉर लाइक प्योर इंटेंशन अटेंशन, वो करते हैं कि बस मेरी स्टोरी लग जाएगी, मेरा नाम आ जाएगा इसके, चाहे नेगेटिव हो बट दे लाइक दैट। पता नहीं कौन से डम लोग होते हैं वैसे ऑनेस्टली कि गालियां देके वो फेमस होना चाहते हैं। पाकिस्तान में हर किस्म का टैलेंट मिलेगा आपको, लोग ऐसी जगह से सोचते हैं जहां से आप सोच ही नहीं सकते कभी। आपका यूकेलेली के अलावा और कोई टैलेंट है? नहीं नहीं मेकअप और ये और मैं कह रहा हूं वैसे जो हमें नहीं पता हो, डांस को अच्छा करती हूं या एक्टिंग का शौक है? नहीं बीट बॉक्सिंग वगैरह नहीं, यूकेलेले भी आई डोंट थिंक मैं इतनी अच्छी हूँ, बस वैसे शौक ही अपने लिए बजाती हूँ और पोस्ट गाना भी नहीं इतना अच्छा गाना था, अपने लिए पोस्ट करती हूँ वो एक कंटेंट है मेरा। तो प्राइवेट क्यों नहीं बना लेती चैनल यूकेलेले का? प्राइवेट थोड़ी अप्रिसिएशन तो मिलनी चाहिए ना। अच्छा होता है, मैंने ये बात अपने बारे में नोट की थी कि जब मैं कंटेंट ना बनाऊँ ना थोड़े अरसे के लिए तो डिप्रेस हो जाती हैं, उलझन होना शुरू होती है कि कुछ लगाया नहीं है, इंस्टाग्राम खोलो तो लाइक्स क्यों नहीं आ रहे, कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा सा आता है बीच में फैक्टर। तो आई थिंक हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। अच्छा और रात भी हो गई है और अच्छा टाइम है एंड करने का पॉडकास्ट। आई एम श्योर आपका तो बहुत मजा आया होगा आपको, मैं आपके लिए आपकी भाव पे ही बात कर लेता हूँ, इनको बहुत ज्यादा मजा मुझे बहुत मजा आया, आई एंजॉयड दिस पॉडकास्ट अ लॉट, नहीं एक्चुअली मजा आया, थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस। नो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, वी डिडंट थिंक यू कोई मसला नहीं, हमें लग रहा था आप आएंगे नहीं, नहीं आप हमारी ओनली गेस्ट हैं, मैं तो बिल्कुल पूरे टाइम पे आई हूं। नो दिस इज ऑसम, थैंक यू सो मच, नाउ बीइंग सीरियस about it was a lot of fun. Yes. And we hope to have you again and season 2 pe season nahi iska pata nahi season hoga ki nahi abhi hame pata nahi but yeah dekho bada sochenge to bada hoga na nahi zaruri nahi season aap aise bhi kal agar aap kal farenge to kal call kar lete hain hamare paas guest nahi hai nahi hamare paas guest nahi hai sir वो क्या नाम बताया था आपने अलीना, आपने लिख लिया मैसेज भेजेंगे कि जिया ने बोला है कि आप आप आए प्लीज बट नो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड
थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई वोंट से कि कोई आप मैसेज देना चाहती हैं यूथ को, वो हम नहीं करेंगे. हाँ प्लीज, आपको देना चाहती हैं? नहीं, मैं नहीं देना चाहती यार, जो मर्जी आए करो. अभी मैं भी यही करती हूँ, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. मुझे कोई पूछा ना कि आप आगे 5 साल में अपने आपको कहाँ देखती हैं, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता मैं कहाँ देखती हूँ. आई ऑनेस्टली डोंट नो. अब जैसे मुझे पिछले 5 साल पहले थोड़ी ना पता था कि मेरी मंगनी हो जानी है. एंड शादी के बाद यही है सीन कि मोस्ट प्रॉबली पाकिस्तान में शायद ना रहूं. बाहर जा रही हैं? बाहर जा रही हैं. ओक्लाहोमा? नहीं, वो तो स्टूडेंट वीज़ा पे गया है ना. सो आई डोंट नो कहाँ जाएंगे, लेकिन लेट्स सी. वही बात होती है ना, जस्ट गो विद द फ्लो एंड थिंग्स वर्क आउट. मेरा ये मानना है कि मैं तो गो विद द फ्लो गया हूं, कभी वर्कआउट नहीं हुआ. क्या मतलब वर्कआउट नहीं किया? क्योंकि वो कहते नहीं है, रिवर को, रिवर में होता है ना गो विद द फ्लो, लेकिन रिवर तो हमेशा नाले की तरफ ही जाता है, या सी में चला जाता है नाला. पता नहीं, इतना नहीं सोचा, बस ये सोचा है कि कभी प्लान्स नहीं उस तरह बनाए कि बिल्कुल सॉलिड प्लान हो. बिकॉज आई फील लाइक जब आप बहुत सॉलिड प्लान्स रखते हो ना, फिर डिसअपॉइंट भी होते हो आप. आज का मैसेज ये है कि प्लीज प्लान ना बनाए, रिवर में जाके बैठ जाएं, गो विद द फ्लो, जिधर फ्लो लेके जा रहा है ऊपर जा रहा है, पहाड़ों के ऊपर तरफ जा रहा है तो ऊपर चल जाएंगे, नीचे जा रहा है गिर जाओ. हाँ, सो गो विद द फ्लो, बी कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, बी ओरिजिनल. दूसरे लोगों के कंटेंट ना देखें, कंज्यूम ना करें, कंज्यूम ना करें, इनको कोई हेट कमेंट ना भेजे, सब कुछ इनको कभी कोई हेट कमेंट ना भेजे, कोई जीएक्स को फॉलो करें. हाँ, जीएक्स के को फॉलो करें, बिलाल खान म्यूजिक को फॉलो करें, हाँ, बीके वेयर्स को फॉलो करें. यस, ये बात, ये सबसे ज्यादा पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया था, बीके वेयर्स को प्रमोट कर सके. नो, थैंक यू सो मच, दैट वाज आवर लाइट्स आउट पॉडकास्ट विद जीएक्स के, एंड होप यू गाइस एंजॉय इट, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन. And yes, now we might have dinner or something. And yeah, that's the podcast. Yeah. Thank you, Hassan. Thank you for showing up. Thank you for always being on time. Being a friend in need. Indeed. Indeed. All right, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye.